हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो आ गया हूं एक और न्यू वीडियो लेकर के। तो यहां पे हमारे पास है स्टेनलेस स्टील का सिंगल पल्ला डोर है, जो कि घरों में बहुत सारे रूम पे भी आप यूज कर सकते हो। इस तरह के यहाँ पे गेट साथ इसे मेन गेट में यूज कर सकते हो कि घर का अगर आप मेन गेट बनवा रहे हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो इससे पहले मैंने एक और गेट का रिव्यू किया था, जिसमें मैंने बताया वो जो गेट थे वो कलर बोर्ड का बना हुआ था वुडन कलर में। अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा, और नहीं देखे तो वीडियो का एंड में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो वो वीडियो मैंने स्पेशली रूम के लिए बताया था कि अगर स्टेनलेस स्टील का आप अगर डोर बनवाते हो, गेट बनवाते हो, तो आप इस तरह से आप बनवा सकते हो स्टील का, जो कि कम बजट में अच्छा चीज़ आपको मिल जाएगा। अभी मार्केट में प्लाई के बहुत सारे गेट चल रहे हैं, तो वहाँ पे उसके जगह पे आप स्टील का आप एसीपी कलर वाला आप डोर लगवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे उसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था, सर क्या मजबूत गेट स्टील के किस तरह से होंगे, मेन गेट क्या लेना चाहिए। तो उसी के लेके आज मैं वीडियो एक और आ गया हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास है ये स्टील का मेन गेट के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी है और मजबूती भी है, आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसका भी पूरा रिव्यू और साथ ही साथ इसका प्राइस भी बताऊँगा और इसको वजन करके भी दिखाऊँगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो होते हैं, जैसे पहले के टाइम पे लोहा का जो ग्रिल और गेट होते थे, जैसे अभी भी आप अगर लोहा के ग्रिल गेट बनवाते हो तो वजन में आपको देखने को मिलता है। आप कहीं पे भी जाओगे खरीदने के लिए तो लोहा या जीआई का गेट तो आपको वजन में मिलेगा, तो उसी तरह स्टील भी मार्केट में जिस तरह से मिलते हैं वो वजन में मिलते हैं। आप कोई भी शहर चले जाओ इंडिया के, वहाँ पे आपको वजन पे ही स्टील मिलता है। लेकिन क्या है, बहुत सारे दुकान वाले स्क्वायर फीट में बेचते हैं, वजन में वो खरीदते हैं लेकिन स्क्वायर फीट में बेचते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे हमारे पास सब कुछ वजन में, हम लोग माल खरीदते हैं और माल को बेचते भी वजन में है। तो यहाँ पे इस गेट का आपको वजन भी देखने को मिलेगा। अगर आप अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आपको एक अनुमान लग जाएगा कि स्टील का गेट अगर हम बनवाएंगे तो कितना वजन जाएगा, कितना प्राइस पड़ेगा, और लगभग आपको इससे बहुत नॉलेज होगा अगर आप घर में लगवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस गेट का आप देख सकते हो, ये जो लुक दिख रहा है ये बहुत स्टैंडर्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये स्टील का सीट दिया हुआ है, पूरा ये पूरा स्टील का सीट से कवर किया हुआ है। जैसा कि पिछला वीडियो में जो देखे थे वो एसीपी बोर्ड दिया हुआ था, जो कलर का बोर्ड था वुडन कलर दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरा स्टेनलेस स्टील का सीट दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे पाइप का काम किया हुआ है पूरा, ये आप देख सकते हो ये सब पाइप का काम किया हुआ है। यानी अगर मेन गेट बनवा रहे हो तो उसके हिसाब से ये गेट बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। आप अभी इसका वजन देखोगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि कितना हैवी और कितना मजबूत है ये। तो चलिए इसका सबसे पहले अभी हम लोग साइज को देख लेते हैं, उसके बाद इसको वजन को देखेंगे और प्राइस को भी साथ साथ निकालेंगे। अभी आपने इसका वजन देखा, जो कि सबसे स्टैंडर्ड साइज है। इसका जो हाइट है वो हमारा 80 इंची है, लगभग वही 6.5 फीट का जो हिसाब होता है, जो मैक्सिमम घरों का हाइट होता है वो 6.5 फीट का स्टैंडर्ड हाइट होता है। और यहाँ पे चौड़ाई 2.5 फुट की है, तो 2.5 फुट और 3 फुट के दर्जा मतलब इस बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो बहुत जगह पे 2.5 फीट और बहुत जगह पे 3 फीट। तो अभी ये 3 फीट वाला, 2.5 फीट वाला मैं रिव्यू कर रहा हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं 3 फीट वाला भी ज़रूर आपको वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे इसको अभी चलिए वज़न कर लेते हैं, वज़न करके इसको प्राइस को देख लेते हैं कितना ये पड़ रहा है।
अभी आपने इस गेट का वजन देखा है, इसका लगभग 49 kg 150 ग्राम आया है। आप अप्रोक्स इसे 50 kg का धर लीजिए। और यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि इस गेट का वजन आया है 50 kg। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उस पे जो ACP वाले बोर्ड थे उस पे मैंने बताया कि एक कम खर्चे में कितना बेहतर आप गेट रूम के लिए बनवा सकते हो, तो वो बहुत कम का था। लेकिन यहाँ पे बात है कि इतना वेट क्यों, इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो माल इसमें यूज किया गया है स्टील का पैप, वो हैवी गेज का यूज किया है, यानी 18 गेज में यूज किया हुआ है। और इसके जो मॉडल बने हुए हैं पूरे चौखट के साथ बने हुए हैं, यानी इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा लगा है। और साथ ही साथ जो सीट लगे हैं वो सीट भी इसमें बहुत ज़्यादा 18 गेज का यहाँ पे सीट यूज किया गया है। तो ये सब को ले करके यहाँ पे 50 केजी के आसपास इसका वजन आ रहा है। क्योंकि ये मेन गेट का है तो इसलिए इसको बढ़िया से यानी वजनदार पैप देने से ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी होता है। बहुत पहले के टाइम पे क्या होते थे, बहुत से लोग सेफ्टी करने के लिए डबल गेट लगाते थे मेन गेट पे। जैसे मान लीजिए पीछे से वुडन का गेट दे दिया और बाहर से स्लाइडिंग का गेट देते थे, वो जो लोहे वाला आता है क्लैप्सूल गेट, तो वो वाला यूज करते थे। लेकिन अगर अभी के टाइम पे अगर आप इस तरह का गेट बनवाते हो तो आपको लाइफ टाइम सोचना नहीं होगा मेन गेट के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लोहे के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मजबूत होगा ये। तो इसका जो वज़न आया है 50 kg, तो यहाँ पे आप 50 kg का अगर आप कैलकुलेट करोगे कि इस गेट का प्राइस लगभग कितना आएगा, तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये 304 का है और 202 ग्रेड का भी होता है। तो स्टील हमारे पास दो क्वालिटी के आपको लगभग सभी जगह पे देखने को मिलेंगे अवेलेबल। तो वो जो दो क्वालिटी होते हैं 202 ग्रेड के एक और एक 304 ग्रेड के, तो ये जो हमारा बना हुआ है ये 304 ग्रेड का है। 304 ग्रेड का जो होते हैं वो बारिश धूप में भी कुछ नहीं होता, और 202 जो ग्रेड होते हैं इससे थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं, हालाँकि वो भी ख़राब नहीं होते लेकिन इससे थोड़े लो होते हैं। अगर आप घर के बाहर यूज करोगे जहाँ बारिश धूप लगेगी वहाँ सजेस्ट करूँगा 304 आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर बजट कम है तो 202 भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पॉलिश आप स्टील में पॉलिश करवानी पड़ती है, अगर पॉलिश कराओगे तो वो आपका कंटिन्यू उसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये 304 का है, तो 304 का जो आपका प्राइस निकल के आएगा तो लगभग 500 रुपये kg आप अप्रोक्स धर लीजिए। सब कुछ पूरा रेडी करने के बाद लगभग सभी जगह पे मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे 450 रुपये kg भी आपको मिल जाता है। अब बात करेंगे 202 का, तो वहाँ पे आपको 350 से 400 रुपये kg आपको 202 ग्रेड के मिल जाएंगे, लगभग सभी जगह मिल जाते हैं। कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि मटेरियल का दाम भी कम बेसी होता है, जो पाइप वगैरह का रेट होता है सभी जगह पे सेम नहीं होते, कहीं थोड़े ज़्यादा होता है कहीं थोड़ा कम भी होता है। तो और अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर किसी चीज़ का जानकारी चाहिए होगा तो मेरे चैनल पे वीडियोस बनी हुई है, वो जाकर के आप ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही।